सो है गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो वापस आ चुका है। आपको पता होगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है 21 जून को यहाँ से रिमूव हो चुका था। यूट्यूब ने इसे रिमूव कर दिया था ये कह के कि आपके चैनल पे कॉमेडी गाना स्ट्राइक फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए मैं आपका चैनल जो यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। और फाइनली दोस्तों, मेरा जो यूट्यूब चैनल है 11 जुलाई को सुबह के वक्त हमारा यूट्यूब चैनल वापस आ चुका था। मैं काफ़ी खुश था भाई, आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब चैनल डिलीट होता है उस वक्त जो गम होता है ना, उससे कई दुगना खुशी होती है जब कोई चीज़ जानने वाली चीज़ जब वापस आ सकती है। ऐसा कहते नहीं कि कोई चीज़ अगर किसी का डेड हो गया और डेड होने के बाद वो फिर से ज़िंदा हो गया ना, तो इस टाइप की मेरे अंदर एक खुशी आई यार। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मेरा चैनल डिलीट हुआ था तो आप विश्वास नहीं मानोगे यार, उस दिन ना रात को मेरी नींद आ रही थी, ना चैन आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। ना कोई यूट्यूबर मदद करने को कह रहा था ना कुछ, भाई मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया था। और पहली बात तो जिस दिन मेरा चैनल डिलीट हुआ था उसी दिन मैंने अपील भी किया, अपील भी उसी दिन रिजेक्ट हो गई। तो सोचो यार क्या हालात हो सकते हैं यूट्यूबर के, ठीक है, कि अपील करने के बाद उस दिन रिजेक्ट भी हो गया, तो बताओ दुगना गम है। अपील होने के बाद यार 2-4 दिन बाद उसका रिप्लाई आता तो आदमी के दिल में एक बात होता कि भाई चलो अभी है कुछ कि आ सकता है, ठीक है। बट उसी दिन उसने रिजेक्ट कर दिया। वो भी खुद सोचिए कि जिस दिन मेरा चैनल डिलीट हुआ उसी दिन मेरा अपील भी रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप खुद सोचो कि मेरे दिल पे क्या बीत रहा होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे रात रात भर चैन नहीं पड़ रहा था, रात रात भर नींद नहीं आ रहा था कि मैं अपना चैनल कैसे वापस लाऊँगा। गैस अभी भी यूट्यूब यात्रा यहाँ पर व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे व्यूवर्स के हमारे मैसेज आ रहे हैं, कैमरन भाई जब यहाँ पर यूट्यूब ने आपके चैनल को रिजेक्ट कर दिया था, जब यहाँ पर आपकी अपील को रिजेक्ट कर दी गई थी कि आपका चैनल वापस नहीं दिया जाएगा, तो फिर आपका चैनल वापस कैसे आया? क्या आपने किसी को पैसे दिए थे चैनल वापस लाने के लिए, या फिर किसी बड़े यूट्यूबर ने आपकी मदद की है चैनल वापस लाने में? तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पैसे देने से किसी का भी चैनल वापस नहीं आता है। मान लीजिए अगर आप किसी को पैसे देते हो कि भाई आप मुझसे इतने पैसे ले लो और मेरा चैनल वापस दिलवा दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। जाए जितना आप किसी को पैसा दे दो आपका चैनल वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी बात आता है, क्या किसी बड़े यूट्यूबर ने मेरी मदद की थी चैनल वापस लाने में? यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर बोल रहे थे कि क्या टेक्निकल मनोज ने आपकी मदद की है चैनल वापस लाने में, या टेक्निकल योगी जी ने, किसने मदद की है? तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि जो टेक्निकल मनोज हैं, टेक्निकल यहाँ पर योगी जी हैं, मैंने इनसे हेल्प ही नहीं मांगी। मतलब ना मैंने इनको मैसेज किया, कुछ भी मैंने उनको नहीं किया कि भाई मेरी आप हेल्प कर दो। यहाँ पर गाइस मैंने टेक्निकल इसरार सर को मैसेज किया था कि आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे मैंने उनको मैसेज किया था कि आप मेरी हेल्प कर दो, मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आया, अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है कि मैं आपकी कोई मदद करूँगा। तो जब इनका रिप्लाई नहीं आ रहा था तो मैंने उनको मैसेज भी करना छोड़ दिया था कि भाई जब रिप्लाई नहीं आ रहा तो फिर मैसेज करने का क्या फ़ायदा है। मगर गाइस यहाँ पर मेरे कई यूट्यूबर ने मदद की। सबसे पहले तो आप सभी ने मदद किया, बहुत सारे जो छोटे क्रिएटर हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने यूट्यूब को ट्यूट किया और यहाँ पर मेरी जितनी मदद हो सकी उन्होंने मदद किया। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ दोस्तों, आपने मेरी बहुत मदद की है। आप सभी के प्यार से, सपोर्ट से हमारा चैनल वापस आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मदद की है तो एक छोटी यूट्यूबर ने की है जिसका नाम है टेक्नो देव टेक प्लस। पुष्कर देव ही ये मेरे फ्रेंड लगते हैं, मतलब मेरे एक दोस्त लगते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है। उन्होंने मेरा बहुत, मतलब आप पूछो मत दोस्तों, बहुत ज़्यादा मदद की है। जितना एक बड़ा यूट्यूबर, एक बड़ा क्रिएटर मदद नहीं कर सकता है, उतना इन्होंने मेरी मदद की है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर है स्प्रेडिंग ज्ञान। स्प्रेडिंग ज्ञान ने यहाँ पर चैनल, मेरे चैनल लाने में तो ज़्यादातर कोई मदद नहीं की है, मगर मेरा जो नया चैनल है, जो काम का यूट्यूबर आफ्टर निमोर चैनल था, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे चैनल का प्रमोशन भी किया। प्लस दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत उन्होंने यूट्यूब से चैट भी की, बातें भी की कि भाई आखिर इनका चैनल क्यों टर्मिनेट किया गया है, इनका चैनल वापस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यूट्यूब टीम से बात भी की थी, तो इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और यहाँ पर कई यूट्यूबर हैं जैसे टेक्निकल अलीम हो गए, और भी कई छोटे क्रिएटर, बड़े क्रिएटर ने मेरी मदद की है। मगर अगर बात करूँ टेक्निकल मनोज की, टेक्निकल योगी की, टेक्निकल इसरार सर की, तो इन्होंने तो पहली बार तो मैंने उनको मैसेज नहीं किया था, टेक्निकल इसरार सर को मैसेज किया तो उनका अभी तक के कोई रिप्लाई भी नहीं आया था। अब यहाँ पर गाइस मैंने एक ऐसे क्रिएटर से मदद मांगी थी जो कि बहुत बड़े क्रिएटर थे, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। गाइस जब उनको मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर मेरा चैनल यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है, प्लीज़ मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, मेरा चैनल लाने में, तो वापस लाने में थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, तो गाइस उन्होंने साफ यहाँ पर मना कर दिया कि आपका चैनल कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, आपका चैनल किसी का बाप भी वापस नहीं ले पाएगा। जैसे दोस्तों उन्होंने इतना कहा, मेरे अंदर का मोटिवेट बिल्कुल टूट चुका था, मैं बिल्कुल
बिल्कुल अंदर से हार चुका था, मुझे लगने लगा कि अब मेरा चैनल सही में वापस नहीं आएगा। जब इतने बड़े क्रिएटर ने मना कर दिया कि आपका चैनल कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, तो मुझे लगने लगा दोस्तों कि यहाँ पर मेरा जो चैनल है वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। फिर भी गाइस मेरे अंदर का एक विश्वास था कि मेरा चैनल जरूर से वापस आएगा। मैं गाइस यहाँ पर हार नहीं माना, मैं यूट्यूब टीम को ट्वीट करता रहा, यूट्यूब टीम को मेल करता रहा, अपील करता रहा कि सर मेरे चैनल पर ऐसी कोई गलती नहीं जो आपके कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो ना करता हो, प्लीज़ मेरा चैनल वापस दे दीजिए। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो मेरे विश्वास मेरे लगन की वजह से आज मेरा चैनल यहाँ पर वापस आ चुका है। गाइस मैं सबसे पहले उन बड़े क्रिएटर से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी अगर कोई छोटा यूट्यूबर आपसे मदद मांगता है तो कभी भी उनका मोटिवेट आपको नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि आपका चैनल किसी का बाप भी वापस नहीं ला पाएगा। सदा आपको उन्हें मोटिवेट रखना है, आपसे उनसे ये कहना है कि मैं भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए आपका चैनल वापस आ जाएगा। बजाय अगर उनका चैनल वापस नहीं भी आता है फिर भी आप उनको मोटिवेट करते रहिए। अगर आपको पता है कि उनका चैनल नहीं भी वापस आएगा फिर भी आपको कभी भी उनको डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि आपका चैनल वापस नहीं आएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो एक बड़े क्रिएटर ने मुझे मना किया कि आपका चैनल कभी भी वापस नहीं आएगा, फिर भी गाइस आप देख सकते हो मेरा चैनल वापस आ गया। ठीक है, तो गाइस मैं आपके लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आपका चैनल कभी भी रिमूव होता है या फिर कभी भी आपके चैनल पर प्रॉब्लम आ जाता है तो यही नहीं है कि आप बड़े क्रिएटर से ही मदद मांगो, आप छोटे क्रिएटर से भी मदद मांगो। मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों आपकी जितनी मदद बड़ा क्रिएटर नहीं कर पाएगा उससे कहीं दुगना मदद आपका छोटे क्रिएटर कर देगा। तो ये मत पीछे पड़ो कि मैं बड़े क्रिएटर से मदद मांग रहा हूँ। इसमें आपको बता दूं कि अगर आपका चैनल कभी भी रिमूव हो जाता है या फिर मान के चलिए टर्मिनेट हो जाता है तो गाइस यहाँ पर आपको हार नहीं मानना है, आपको मेल करते रहना है, ट्यूट करते रहना है, आपको ट्यूट करवाते रहना है, मेल करवाते रहना है। गाइस आप खुद ही सोचिए यहाँ पर मेल और ट्यूट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप एक महीना ट्यूट करते रहो, साल भर ट्यूट करते रहो, ईमेल करते रहो यूट्यूब का कि आप मेरा चैनल प्लीज वापस दे दीजिए, वापस दे दीजिए। मैं आपसे 100% कहता हूँ अगर आपके चैनल पर गलती भी होगी तो आपका चैनल वापस आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज मेरा चैनल वापस आ चुका है। तो गाइस इस तरीके से आपको हार नहीं मानना है, मोटिवेट अपने अंदर का नहीं तोड़ना है, आपको विश्वास रखना है कि आपका चैनल एक दिन वापस जरूर आएगा। तो 100% मैं आपसे कहता हूँ आपका चैनल एक ना एक दिन वापस जरूर जरूर आ जाएगा। अब यहाँ पर गाइस देखिए आज आप देख सकते हो मेरा जो चैनल है वापस आ चुका है, तो बस आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि अगली बार से आपको अच्छी अच्छी यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी और आपका चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी होगा। तो चलिए भी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।